मैं इस किताब को सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। उसने बहुत बहादुरी से उस काम को कर दिखाया। ही पुल्ड ऑफ दैट टास्क विद ग्रेट ब्रेवरी। ही पुल्ड ऑफ दैट टास्क विद ग्रेट ब्रेवरी। उसने मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया। ही टुक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस। ही टुक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और भाग गया। ही टुक एडवांटेज ऑफ द चांस एंड रैन अवे। ही टुक एडवांटेज ऑफ द चांस एंड रैन अवे। वह अतीत को याद करके रो रहा था। ही वॉज क्राइंग बाई लुकिंग बैक ऑन। ही वॉज क्राइंग बाई लुकिंग बैक ऑन। दोबारा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ही डिडेंट लुक बैक ऑन अगेन। ही डिडेंट लुक बैक ऑन अगेन। आगे बढ़ो और बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। गो अहेड एंड कीप गोइंग अहेड। नेवर लुक बैक ऑन इन योर लाइफ। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा, मेरा विश्वास करो। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यू, ट्रस्ट मी। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यू, ट्रस्ट मी। कल बाजार में मुझे एक पुराना दोस्त मिला। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे। जंगल में मेरा एक शेर से सामना हुआ। आई केम अक्रॉस अ लायन इन द जंगल। आई केम अक्रॉस अ लायन इन द जंगल। मैं बहुत सारे मुश्किल हालात से गुजरा हूँ। आई हैव पुट थ्रू मैनी हार्ड सिचुएशन। आई हैव पुट थ्रू मैनी हार्ड सिचुएशन। किताबों को सिलसिले से रखो। पुट द बुक्स इन ऑर्डर। पुट द बुक्स इन ऑर्डर। यह तो होना ही था। इट वॉज बॉन्ड टू हैपन। यह तो होना ही था। इट वॉज बॉन्ड टू हैपन। उसने मेरी उम्मीदें रौंद दी। ही क्रस्ड माई होप्स। उसने मेरी उम्मीदें रौंद दी। ही क्रस्ड माई होप्स। तुम इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। देखते हैं अब क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। देखते हैं अब क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। घड़ी में अभी अभी 3 बजे हैं। द क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 3। द क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 3। तुम किधर जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। तुम किधर जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। क्या हुआ तुम्हें। व्हाट हैपेंड टू यू। क्या हुआ तुम्हें। व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू। हम इसके लिए तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर दिस। हम इसके लिए तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर दिस। इसके लिए मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। इसके लिए मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। घर जल्दी वापस आ जाना। कम बैक होम अर्ली। घर जल्दी वापस आ जाना। कम बैक होम अर्ली। आज लंच में क्या है। व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे। आज लंच में क्या है। व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। नदी के किनारे एक सड़क है। देयर इज़ अ रोड अलोंग द रिवर। देयर इज़ अ रोड अलोंग द रिवर। उसने और क्या पूछा तुमसे। व्हाट एल्स डिड ही आस्क यू। व्हाट एल्स डिड ही आस्क यू। उसने जैसा बताया था मैंने वैसा किया। आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी टू। आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी टू। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हो। आई डोंट केयर हु आर यू। आई डोंट केयर
हु आर यू? हम खबर सुनकर चौंक गए। वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। हम खबर सुनकर चौंक गए। वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। लड़ने झगड़ने से बात का हल नहीं होगा। फाइटिंग वॉन्ट सेटल एनी थिंग। फाइटिंग वॉन्ट सेटल एनी थिंग। होनी को अनहोनी नहीं किया जा सकता। वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण किया। बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण किया। बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आई विल हैंडल एवरी थिंग। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आई विल हैंडल एवरी थिंग। तुम रोज़ देर से क्यों आते हो? वाई डू यू कम लेट एवरी डे? तुम रोज़ देर से क्यों आते हो? वाई डू यू कम लेट एवरी डे? कृपया अपने आप को दोष ना दे। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ। कृपया अपने आप को दोष ना दे। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। आज का मौसम बहुत अच्छा है। टुडेज़ वेदर इज़ वेरी नाइस। आज का मौसम बहुत अच्छा है। टुडेज़ वेदर इज़ वेरी नाइस। हल्की हल्की बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग लाइटली। हल्की हल्की बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग लाइटली। आपको बारिश में भीगना कैसा लगता है? हाउ डू यू लाइक गेटिंग वेट इन द रेन? हाउ डू यू लाइक गेटिंग वेट इन द रेन? अब मैं बाजार जा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब मैं बाजार जा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू द मार्केट। मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। आई वॉन्ट टू गेट सम क्लोथ्स। मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। आई वॉन्ट टू गेट सम क्लोथ्स। मैं सोच रही हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर एवरी वन। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर एवरी वन। सबको अच्छा सरप्राइज मिलेगा। Everyone will get a nice surprise. Everyone will get a nice surprise. सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। There will be a smile on everyone's face. There will be a smile on everyone's face. वक्त इतना जल्दी क्यों गुजर जाता है? Why does time pass by so quickly? Why does time pass by so quickly? काश हम वक्त को रोक पाते। आई विश वी कुड स्टॉप टाइम। आई विश वी कुड स्टॉप टाइम। चलो खाने का वक्त हो गया है। कम ऑन इट्स टाइम टू ईट। चलो खाने का वक्त हो गया है। कम ऑन इट्स टाइम टू ईट। लेकिन आज मेरा खाने का मन नहीं है। बट टुडे आई डोंट फील लाइक ईटिंग। बट टुडे आई डोंट फील लाइक ईटिंग। तुम्हें पता है ना आज घर में क्या है? डू यू नो वॉट इज़ इन द हाउस टूडे? डू यू नो वॉट इज़ इन द हाउस टूडे? हमें घर को अच्छे से समेटना है। वी हैव टू कवर द हाउस प्रॉपरली। वी हैव टू कवर द हाउस प्रॉपरली। मेरी नानी का फ़ोन आया था। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। I got a call from my grandmother. घाटियों का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। The view of the valleys is very beautiful. The view of the valleys is very beautiful. मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मज़े करती हूँ। I enjoy a lot with my friends.
आई इन्जॉय अ लॉट विथ माई फ्रेंड्स। ये फ़ोन भी बहुत कमाल की चीज़ है। दिस फोन इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग। दिस फोन इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग। कोई कितना भी दूर हो हम उनसे बातें कर सकते हैं। नो मैटर हाउ फार अवे समवन इज़ वी कैन टॉक टू देम। नो मैटर हाउ फार अवे समवन इज़ वी कैन टॉक टू देम। ये फ़ोन का आविष्कार किसने किया है? हु इन्वेंटेड दिस फोन? हु इन्वेंटेड दिस फोन? उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स टू हिम। उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स टू हिम। मैंने किताब को उल्टा कर दिया। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। मैंने किताब को उल्टा कर दिया। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। मैं जो चाहता हूँ वही होगा यहाँ। डैट्स वॉट आई वॉन्ट विल हैपन हीयर। डैट्स वॉट आई वॉन्ट विल हैपन हीयर। क्या तुमने मेरा नाम बताया था? डिड यू टेल माई नेम? क्या तुमने मेरा नाम बताया था? डिड यू टेल माई नेम? वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। नोबडी रिटर्न्स फ्रॉम देयर। नोबडी रिटर्न्स फ्रॉम देयर। तुम खाली पेट काम कैसे करोगे? हाउ विल यू वर्क विथ एम्प्टी स्टमक? हाउ विल यू वर्क विथ एम्प्टी स्टमक? मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आया था। आई जस्ट केम हेयर टू टॉक टू यू। आई जस्ट केम हेयर टू टॉक टू यू। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। लाइंग डजेंट सूट यू। लाइंग डजेंट सूट यू। बहुत ही बदतमीज़ किस्म के आदमी हो तुम। यू आर रियली अ मैनरलेस पर्सन। यू आर रियली अ मैनरलेस पर्सन। एक साल पहले हम यहीं पर मिले थे। वन ईयर बैक वी मेट हियर। वन ईयर बैक वी मेट हियर। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यू हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। यू हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। You will have to do something different. कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। Tomorrow's day is very special for me. Tomorrow's day is very special for me. मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। I am not like the rest of the people. I am not like the rest of the people. कभी कभी ये बिना वजह रुक जाता है। Sometimes it stops without any reason. Sometimes it stops without any reason. सिर्फ तुम ही उसे मना सकती हो। Only you can convince him. Only you can convince him. मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। I am not talking about that. I am not talking about that. मैंने उसे मना लिया है। आई हैव कन्विंस्ड हिम। मैंने उसे मना लिया है। आई हैव कन्विंस्ड हिम। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड मी और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड मी और नॉट? ये कभी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। आई कैन नेवर लाई टू यू। आई कैन नेवर लाई टू यू। उसे अभी नाश्ता करने दो। लेट हिम हैव हिज ब्रेकफास्ट नाउ। लेट हिम हैव हिज ब्रेकफास्ट नाउ। ये कोई आसान काम नहीं है। दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? हाउ डिड यू गेट सो हर्ट? हाउ डिड यू गेट सो हर्ट? मैं यहाँ चाय के लिए नहीं आया था। आई डिडेंट कम हेयर फॉर टी। आई डिडेंट कम हेयर फॉर टी। आपको अचानक क्या हो गया? वॉट हैपेंड सडनली टू यू? आपको अचानक क्या हो गया?
वॉट हैपेंड सडनली टू यू? टहलते समय पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ. क्वीकन योर स्टेप्स वाइल वॉकिंग. क्वीकन योर स्टेप्स वाइल वॉकिंग. दीपिका पार्टी में सबसे अलग दिख रही थी. दीपिका वॉज स्टैंडिंग आउट इन द पार्टी. दीपिका वॉज स्टैंडिंग आउट इन द पार्टी. तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी? वहाँ अकेले जाना उसकी बेवकूफ़ी थी. इट वॉज स्टूपिड ऑफ हिम टू गो देयर अलोन. इट वॉज स्टूपिड ऑफ हिम टू गो देयर अलोन. तुम्हारी यहाँ सख्त ज़रूरत है. यू आर डेस्परेटली नीडेड हियर. तुम्हारी यहाँ सख्त ज़रूरत है. यू आर डेस्परेटली नीडेड हियर. तुम रुको या ना रुको, मैं तो रुकूँगा. आई विल स्टे वेदर यू स्टे और नॉट. I will stay whether you stay or not. सच कहने में क्या हर्ज है? What is the harm in telling the truth? What is the harm in telling the truth? उसकी सादगी का फ़ायदा मत उठाओ. Don't take advantage of her simplicity. Don't take advantage of her simplicity. उसने मेरी दोस्त का फ़ायदा उठाया. ही टुक एडवांटेज ऑफ माई फ्रेंडशिप. ही टुक एडवांटेज ऑफ माई फ्रेंडशिप. वो रो रहा है और ऊपर से तुम हंस रहे हो. ही इज़ क्राइंग ऑन टॉप ऑफ डैट यू आर लाफिंग. ही इज़ क्राइंग ऑन टॉप ऑफ डैट यू आर लाफिंग. तुम्हें बहुत परेशानी होने वाली है. यू वुड बी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. You would be facing a lot of trouble. मैं उसे नहीं जानता, शायद वो जानता है. I don't know him, perhaps he knows. I don't know him, perhaps he knows. मैं ये रेड शर्ट लेना पसंद करूँगा. I would love to buy this red shirt. I would love to buy this red shirt. अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है सो है. नथिंग कैन बी डन नाउ, इट इज़ वॉट इट इज़. नथिंग कैन बी डन नाउ, इट इज़ वॉट इट इज़. मेरे पास एक काली रंग की कार हुआ करती थी. आई यूज़ टू हैव अ रेड कलर्ड कार. आई यूज़ टू हैव अ रेड कलर्ड कार. कोई कुछ भी कहे, मैं पार्टी में जाऊँगा. No matter what anyone says, I will go to the party. No matter what anyone says, I will go to the party. सच तो ये है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं. As a matter of fact, I didn't recognize you. As a matter of fact, I didn't recognize you. मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझता था. I considered you to be a good friend. I considered you to be a good friend. मेरे पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था. I used to have Nokia mobile phone. I used to have Nokia mobile phone. सच तो ये है, वो बड़ा कंजूस है. As a matter of fact, he is too miser. As a matter of fact, he is too miser. इस वक्त तुम होश में नहीं हो. You are not in your senses right now. इस वक्त तुम होश में नहीं हो. You are not in your senses right now. लगता है मुझे ये इलाका छोड़ कर जाना पड़ेगा. Looks like I will have to leave this area. Looks like I will have to leave this area. मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ. I am very much ashamed for what I did. I am very much ashamed for what I did. आपको ऐसा सामान रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा. You won't get such stuff every day. You won't get such stuff every day. तुम ही तो हो मेरी हमारी परेशानियों की जड़.
यू आर द रीज़न ऑफ आर प्रॉब्लम्स, यू आर द रीज़न ऑफ आर प्रॉब्लम्स। पहले से ही काफ़ी परेशानियाँ हैं, ऑलरेडी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। पहले से ही काफ़ी परेशानियाँ हैं, ऑलरेडी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। एक साल पहले मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, वन ईयर अगो इवन माई लाइफ वॉज द सेम। इतनी रात को कोई किसी को परेशान करता है क्या? Does anyone disturb someone so late at night? हर कोई आप ही की चर्चा कर रहे हैं, Everybody is discussing about you. तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, You don't know anything about her. कोई इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है? How can anybody give up so soon? मैं यहाँ उससे मिलने नहीं आया हूँ, I haven't come here to meet her. अब कल से एक नई कहानी शुरू होगी, Now a new story will start from tomorrow. कभी कभी ये बिना वजह रुक जाता है, Sometimes it stops without any reason. तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? Is it important for you to go there? यहाँ कुछ धनिया और अदरक है, Here is some coriander and ginger. कल उसने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया था, Yesterday he saw me talking to you. आपको अचानक क्या हो गया? What happened suddenly to you? ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? From where did you get the money? क्या तुम बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते? Don't you know respect of elders? पहले आप लोग इसका स्वाद लो फिर बताओ। First you guys taste it then tell me. हम उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। We won't let her effort go waste. फिर तुम्हारा कर्ज कौन चुकाएगा? Then who will repay your debts? मैंने कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है। What a delicious pudding I have made. मैंने इतने घी और चीनी बर्बाद कर दिए। I wasted such a lot of ghee and sugar. तो आप कल सुबह आ रहे हैं? So you are coming tomorrow morning. आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। Nobody can doubt your honesty. मैं सुबह जल्दी नहीं उठती। I don't get up early in the morning. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। Whatever happens, happens for good.
हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड. आखिरकार आप यह सब समझ जाएंगे. यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली. अब कोई समस्या नहीं होगी. देयर विल नॉट बी एनी मोर प्रॉब्लम्स. उसे कोई गलत आदतों की लत नहीं है. He is not fond of any bad habits. मेरे बैग में बहुत सारे पैसे थे. There was a lot of money in my bag. मेज पर कोई चम्मच नहीं है. There are no spoon on the table. हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. There is no need for us to hurry. हम कब उनके लिए कुछ करेंगे. When will we do something for them? इसका जवाब समय आने पर मिलेगा. The answer will be given when the time comes. आपको ये सब कब पता लगा. When did you come to know all this? अब मुझे कुछ नहीं कहना है. Now I don't want to say anything. क्या आप मुझे अच्छे से नहीं समझाओगे. Won't you explain it to me better? उसे अपने हिसाब से जीने दो. Let him live his life as she wants. मैं ये काम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ. I can finish this work very quickly. आप उसे इस बार अच्छे से समझा देना. You explain it to him properly this time. उसे ज़बरदस्त सिर दर्द हो रहा है. She has a splitting headache. उसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है. She doesn't mean to insult you. पहले हम बहुत मस्तियाँ किया करते थे. Earlier we used to have a lot of fun. वह तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है. He is dead against you. सीधी सी बात है, हम यहीं ठहरेंगे. It's quite simple, we will stay here. क्या ये मुझ पे अच्छा लग रहा है. Does this look good on me? तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करते हो. You always spoil my mind. मैंने अपना छाता कहीं छोड़ दिया. I left my umbrella somewhere. पता नहीं तुम इतना डरते क्यों हो. Don't know why you fear so much. इस पिक्चर में ये कौन है. Who is this in this picture? क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है. Do you have any siblings? क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है. Do you have any siblings? मेरा नया जूता नहीं मिल रहा है. I can't find my new shoes.
मेरा नया जूता नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई न्यू शूज़। कैसे कहूँ कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। हाउ डू आई से डैट ही स्लैप्ड मी। हाउ डू आई से डैट ही स्लैप्ड मी। अब रोने का क्या फ़ायदा है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। लोगों के अनुसार वह पागल है। By all accounts, he is mad. By all accounts, he is mad. हम पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। We are ready to go to the party. We are ready to go to the party. आज कड़कड़ाती ठंड है। It's a shivering cold today. It's a shivering cold today. मैं जल्द घर पहुंच रहा हूं। I am reaching home soon. मैं जल्द घर पहुंच रहा हूं। I am reaching home soon. उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। She has nothing to do with me. She has nothing to do with me. इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है। I have no opinion on this matter. I have no opinion on this matter. कुछ चुभ रहा है। Something is stinging. कुछ चुभ रहा है। Something is stinging. आपको हमसे क्या मदद चाहिए। What help do you need from us? What help do you need from us? शायद मैं आपके सारे सवाल हल कर सकता हूँ। I might solve all your questions. I might solve all your questions. खुश होना सेहत के लिए अच्छा है। Being happy is good for health. Being happy is good for health. मैंने अब इरादे बदल लिए हैं। I have changed my intentions now. I have changed my intentions now. मेरा काम तुम्हारा हौसला बढ़ाना था। My job was to encourage you. My job was to encourage you. आप बहुत ही बढ़िया दिख रहे हो। यू आर लुकिंग सो क्लासी। यू आर लुकिंग सो क्लासी। हो सके तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इफ़ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इफ़ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। उन्होंने कल रात को पार्टी में नाचा। दे डांस्ड एट द पार्टी लास्ट नाइट। दे डांस्ड एट द पार्टी लास्ट नाइट। तुम इस लफड़े में मत पड़ो। यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर। यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर। मेरे सामने मत आओ। डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी।